गरीब परिवार से थे, किसी ने ये मदद भी नहीं करी कि तो मेरी ये मिसेज आदा गुप्ता वो मेरे गुरु हैं भाई साहब। रामपुर के हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम हमारी चल रही है और इसी मुहिम में हम पहुंचे हैं रामपुर के सबसे ज्यादा फेमस राजमा चावल पर। और वो राजमा चावल वो है जिसके लिए लोगों ने लगातार कमेंट किए थे कि हमें गुप्ता जी राजमा चावल वालों की स्टोरी चाहिए। तो आज हम गुप्ता जी राजमा चावल वालों की स्टोरी बताएंगे, कैसे एक शख्स ने रामपुर में अपनी पहचान बनाई, कैसे उनका हाथ का जायका रामपुर के लोगों तक पहुंचा और आज भी लाजवाब है। करीब 11 साल पहले गुप्ता जी ने राजमा चावल का स्वाद लोगों को देना शुरू किया। कई बार फेल होने के बाद गुप्ता जी ने कामयाबी को चूमा है। गुप्ता जी ने काफी ज्यादा मेहनत की है और आज गुप्ता जी के हाथ का स्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रामपुर में मंडी के पास गुप्ता जी राजमा चावल का ये ठेला लगाते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा ठेला लगा हुआ है गुप्ता जी का और मेरे साथ खुद गुप्ता जी खड़े हुए हैं। गुप्ता जी मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। गुप्ता जी आप ये बताइए कि ये जो राजमा चावल की स्टोरी है आपकी, ये शुरू कहाँ से हुई? शुरू से लगा रहा था, शुरू ठेला लगा रहा तो खाने से लगा लिया ठेला। अच्छा। भाई है छोटा मेरा। उससे पहले बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से सीखा, कहाँ से दिमाग में आया, लोगों को एक प्रेरणा जाना चाहिए। जीतू भाई राजमा चावल वाले हैं, हम वहाँ खाने जाते थे, खाते खाते एक दिन दोनों भाई खाने जाते थे। हाँ खाने जाते थे, सिर्फ दोनों भाई पहुँच गए और पहुँचने के बाद छोटा भाई बोला वो ठेला लगा लो राजमा चावल का। मैंने कहा हमारा काम नहीं है, हम गांव के रहने वाले हैं, क्या ठेला वाला लगाएंगे यार, हमें कौन जानता है, जान पहचान की दुकानदारी है सब। बोला आप लगाओ तो आप लगाओ, हमने ठेला लगाया राजमा चावल का तो वो काम स्टार्ट हो गया तूफान हमारा। अच्छा तूफान सीखा कुछ नहीं? सीखा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे मिसेज हैं आशा गुप्ता। अच्छा तो मेरी मिसेज आशा गुप्ता वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने खाना बहुत टेस्टी बनाती है वो। अच्छा घर का भी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बेहतरीन बनाती है। तो बोले मैं आपको सिखाऊंगी, भाभी जी ने सिखा दिया क्या बात? बोला मैं सिखाऊंगी आपको, आप बनाना सीखो। उन्होंने वो मुझे बनाकर देती थी, फिर मैं हल्का हल्का उन्हीं से सीख गया सर। क्या बात है, भाभी जी ने सिखा दिया, बहुत। तो फिर वो सीख गया, आज उन्हीं की कृपा से, दुआ से, भगवान की और आपके आशीर्वाद से आज बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, 2010 में आ गया था मैं। तो यहाँ शुरुआत कैसे करी आपने? शुरुआत क्या करी, तो खाने पे लगाते थे ये सब मालिक लोग, बस अड्डे वाले हैं, ये बोले वहाँ से हटवा दिए ठेला, तो वो कहीं गुजारा हुआ नहीं, कहीं किराया भी नहीं मिला। गरीब परिवार से थे, किसी ने ये मदद भी नहीं करी कि ये वो लगा लो कहीं, तो बन के अब क्या करें। तो बस अड्डे वाले बोले ऐसा तो वहाँ आ जाओ मंडी पे आप, बोले 150 आज हमारे हो जाएंगे, 2500 रुपये की दुकान है, 2500 रुपये बहुत होते थे उस टाइम पर, तो 2500 रुपये बिक जाते थे, फिर शाम को माल बच जाता था। बहुत दिक्कत होती थी, वो फेंकना पड़ता था, किसी को खिलाते थे हम तो वो मजाक बनाता था बहुत ज्यादा, अरे यार ये बच रहा तो खिला रहा हूँ ये कर रहा हूँ, बड़ी दिक्कतें आती थी मुझे। मन किया ये तो बड़ा कई बार समस्याएं आई। हाँ फिर काम बंद भी कर दिया बीच में, मैंने बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया, मैं करूंगा नहीं। वो दोबारा छोटा भाई की शादी करी, उसकी सास बोली जाओ एक बार और माता नानी का नाम लेकर लगाओ, लगाया तो फिर आज तक रुका नहीं बाबा, बड़ा है और बड़ा सब कुछ। आज ये ठेला ये जगह अपनी है? ठेला तो अपना है, जगह पीछे अपनी है, ये हम रोड पर खड़े हैं। रोड पर खड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई गुप्ता जी का राजमा चावल इसका स्वाद भी लिया जाएगा। आपने वो स्टोरी सुनी कैसे इनके सामने दिक्कतें आई, लेकिन ये हारे नहीं और लगातार डटे रहे और आज जब कामयाबी इन्हें मिली है तो देखिए किस तरह से लोग जो है ले रहे हैं गुप्ता जी। और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से गुप्ता जी राजमा चावल दे रहे हैं, इनका देने का तरीका देखिए, भीड़ जो है लगी हुई है और गरम गरम राजमा चावल यहाँ पर बन रहा है। और अमूल का बटर देखिए, मैं दिखा दूँ यहाँ पर अमूल का बटर है और इस अमूल के बटर के साथ ये राजमा चावल परोसते हैं। और गुप्ता जी ये आपके रेट क्या है? हाँ ये 20 रुपए की प्लेट है। 20 रुपए की प्लेट जी, इतना गरम गरम हाथ से आप निकालते थे? जी 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 भाई साहब, इतना गरम गरम ये बिल्कुल एकदम ताजा चावल बने हुए हैं और गुप्ता जी और ये इनके लड़के हाथ से जो है परोस रहे हैं, बाकी में बहुत ज्यादा हिम्मत वाली बात है ये। ले बेटा देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर ले रहे हैं भीड़ आके, और वेटिंग में चल रहा है मामला, लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि इनका नंबर आए और जल्दी से गुप्ता जी का राजमे का स्वाद ये चखें। तो देखिए ये लोगों की मोहब्बत है, ये रामपुर का जायका है और जिस तरह से रामपुर में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी ये मुहिम चल रही है, तो उसी मुहिम के तहत हम यहाँ पर, इस मुहिम को आपका बड़ा प्यार मिल रहा है। तो गुप्ता जी आप हमें एक प्लेट खिलवाएंगे क्या? अभी बिल्कुल बाबू, बहुत बढ़िया। तो भाई गुप्ता जी रेडी कर रहे हैं प्लेट हमारे लिए, और जब तक हम आपको बता दें कि गुप्ता जी की जो प्लेट है राजमा चावल की, मैं आपको दिखा भी दूं, ये गुप्ता जी राजमा चावल
चावल का जो रेट है वो हाफ प्लेट का रेट है 20 रुपीज का और फुल प्लेट का रेट है 30 रुपीज का है। और अमूल का बटर के साथ 10 रुपए, अगर अमूल का बटर चाहिए तो 10 रुपए एक्स्ट्रा ये देते हैं। और देखिए कितनी भीड़ है, मैं बता नहीं सकता आपको, देखिए लगातार लोगों के हमें खैर अल्लाह इंडिया में खाते हुए 5 साल जब प्लेट दिया भैया मुझे गर्म है आज मैं चाहूँगा घर का खाना छोड़ के यहाँ पर। बहुत बढ़िया, तो आप गुप्ता जी किसी दिन की छुट्टी भी करते हैं? ना छुट्टी तो कोई नहीं है, मर्जी है अपनी, जब डिजल कर ली है। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 8 से 5 है गुप्ता जी, 8 बजे से लेके 5 बजे तक डेली लगाते हैं, किसी दिन की छुट्टी नहीं करते हैं। और लोग जो है बड़ा प्यार जो है गुप्ता जी को देते हैं। और गुप्ता जी की यही पहचान है कि रामपुर में दूर दूर से लोग इनका स्वाद लेने के लिए आते हैं। कड़ी चावल भी लगाते हैं? ये कड़ी रात में दोनों मिक्स करके लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्लेट ही नहीं क्या है? तो भाई ये आ चुकी है एक राजमा चावल की प्लेट गुप्ता जी की, और इसका मैं स्वाद लूंगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कितनी शानदार तरीके से इन्होंने ये परोसी है, ऊपर से प्याज डाली है, फिर कड़ी की लेयर लगाई है, फिर उसके नीचे राजमे की लेयर है और नीचे चावल है, और साइड में इन्होंने ग्रीन चिली रखी है। तो पहले हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये जो है गुप्ता जी हैं जो करीब 11 साल से रामपुर में अपने हाथ का जायका दे रहे हैं और रामपुर वाले काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। अगर आपको गुप्ता जी के हाथ के राजमा चावल खाना है तो आप रामपुर मंडी समिति के पास जैसे पहुंचेंगे वहां पर ये गुप्ता जी पास में दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो एक बार आप रामपुर में इनका जायका ज़रूर लीजिए। आप रामपुर के हैं, रामपुर के आसपास के हैं, रामपुर घूमने आएँ तो एक बार आप गुप्ता जी के हाथ के राजमा चावल का जायका ज़रूर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसा ये राजमा चावल का जायका है। भाई साहब जबरदस्त, बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि एकदम बिल्कुल फ्रेश बना है अभी ये। और देखिए, और जो इनका देने का तरीका है वो लाजवाब है, अल्टीमेट जबरदस्त जायका है। तो हमारी हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम लगातार जारी है, इस मुहिम में आपका बहुत प्यार मिल रहा है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए, अपने खास लोगों में शेयर कीजिए ताकि रामपुर का जायका देश और दुनिया तक जाए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।